नमस्कार, चीकोज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले। दही भल्ले इंडिया की फेवरेट स्ट्रीट फूड में से एक है। इसे किसी भी त्योहार पर बनाकर खाया जा सकता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। दही भल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए, हमने एक कप धुली उड़द की दाल को 7 से 8 घंटे भिगो के रखा, फिर हमने इसको छान कर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। आधा चम्मच हमने हींग लिया है। अब हम इस दाल को मिक्सी में डालकर पीसेंगे। हम हींग भी इसी में डाल के पीसेंगे। हमें इसे ना तो ज्यादा बारीक करना है और ना ही हमें इसे ज्यादा पतला पीसना है, नहीं तो ये भल्ले बनेंगे नहीं। कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे और हमें इसे 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही चलाना है। अब हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है और ये अच्छे से फूल भी गया है। अब हम इसके भल्ले बनाना शुरू करते हैं। आप चाहो तो इसे चम्मच से भी डाल सकते हो या कटोरी के ऊपर कपड़ा रख के भी बना सकते हो। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे ही बना सकते हो इस तरीके से। ये अब सीख चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल देंगे और गैस को बीच बीच में आपको कम ज्यादा करते रहना है। अब ये भल्ले बन चुके हैं। अब हम इन्हें 1-2 मिनट के लिए पानी में डालेंगे ताकि ये थोड़े ठंडे भी हो जाएं। अब हम भल्लों को पानी में से निकाल कर इस तरीके से निचोड़ कर हम इसको दही में डाल देंगे। अब हम इन पर दही डालेंगे और इमली की चटनी भी डालेंगे। वैसे तो इमली की चटनी में सारे मसाले डले हुए हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ मसाले ऊपर से डालकर खाना हो तो आप नमक, मिर्च, भुना हुआ जीरा डालकर खा सकते हो। तो लीजिए, अब ये दही भल्ले बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने पूरी कोशिश की है कि दही भल्ले की इजी रेसिपी आपको दे सकूं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।